आप को लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां चलाई जा रही है एक विशेष मुहिम। इस मुहिम के तहत ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, देखिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है, सभी जानते हैं। इस मुहिम का मकसद जो है वो लोगों को इन्हीं खतरों से ना केवल आगाह करने का है बल्कि उनको बचाना भी है। तो लोगों को प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने की शपथ यहाँ पर बाकायदा दिलवाई जा रही है। लेता हूँ कि ओरिजिन डिस्पोजल प्लास्टिक बोतल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के बैंक में डालेंगे। ये शपथ है प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने की। ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये संकल्प है पर्यावरण और पंचायत की बेहतरी का। प्लास्टिक कचरे का प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ली। शपथ लेते हैं कि मैं किसी भी तरह की प्लास्टिक पॉलीथीन डिस्पोजल प्लास्टिक बोतल का प्रयोग नहीं करेंगे। हरदुआगंज ग्राम पंचायत में प्रशासन की तरफ से ये शपथ दिलाई गई, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। शपथ इस बात की भी दिलाई गई कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और कूड़ा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक भी करना है। प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करेंगे। एक छोटी गाड़ी कचरा उठाने की ऐसी हो सकती है जिसमें लोग अपना कचरा दें और इसके बाद उस कचरे को हम सूखे और गीले कचरे को अलग अलग संसाधित कर दें ताकि हमको उसको भंडारित करने में या उसको रीयूज करने में आसानी हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में ग्रामीण एरिया में हमने इस कार्यक्रम का आज से शुभारंभ किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लास्टिक बैंक की स्थापना और ग्रामीणों और बच्चों को प्लास्टिक उपयोग न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में और कूड़ों में न फेंक कर, खुले में न फेंक कर प्लास्टिक बैंक में डालने के लिए जागरूक करने का अभियान है। हरदुआगंज ग्राम पंचायत में जगह जगह प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर स्लोगन लिखे हैं ताकि लोगों को इसके जरिए भी प्लास्टिक के उपयोग के खतरे का संदेश मिल सके और पशुओं को भी बचाया जा सके। लोगों को सूखा और गीला कूड़े को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि दोनों ही कूड़ों को अलग अलग डिब्बों में डालें ताकि कूड़े का खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने शपथ दिलाई है प्लास्टिक के लिए और कुछ डिब्बे भी रखवाए हैं, प्लास्टिक बैंक बोलते हैं उन्होंने। और आज आठ पड़ोस में ये भी बताना है, उन्होंने बताया कि अपनी जो प्लास्टिक है कचरा है उसको प्लास्टिक कचरे डिब्बे में उन्होंने रखवाए हैं उसमें डालना है। आज हमने शपथ ली है कि हम प्लास्टिक की चीजें प्लास्टिक के बैंक में ही डालेंगे और हम बाजार जाएंगे तो प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं लेंगे और कपड़े का थैले का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन की ओर से पंचायतों को साफ सुथरा रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण के साथ साथ लोग भी सुरक्षित रहें और पॉलिथीन से पशुओं की जान भी बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।